न्यायालय परिसर में चली गोली, न्यायालय कर्मी हुए घायल, अपराधियों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं, अविलंब गिरफ्तार करने की मांग। समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर में सोमवार को दोपहर अपराधियों ने पुलिस और कानून को खुल्लम खुल्ला चुनौती देते हुए गोली चला दी। इसमें एक न्यायालय कर्मी भी घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक मुकदमे में पेशी के लिए न्यायालय ले गए बाहुबली अशोक यादव बिथान को निशाना बनाकर अपराधियों ने गोली चला दी। चलाई गई गोली से न्यायालय के SGM के चतुर्वर्गीय कर्मी प्रभु प्रकाश टोपो घायल हो गए। उन्होंने आनंद फानंद में सदर अस्पताल पहुंचाया गया, वहां इलाज जारी है। भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने न्यायालय परिसर में गोली चलाने की घटना को गंभीर घटना बताया है। उन्होंने कहा कि जब न्यायालय में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो कहां सुरक्षित रहेंगे। उन्होंने मांग की है कि अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार किया जाए, बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, अन्यथा भाकपा माले आंदोलन चलाएगी। एक प्रेस बयान में माले नेता ने कहा कि पूसा, ताजपुर, मोरबा, सराय रंजन, कल्याणपुर, उजियारपुर सहित संपूर्ण जिला में प्रतिदिन 2 से 4 लोगों की हत्या, चोरी, लूट, छिनताई अपराध इत्यादि घटनाएं हो रही हैं। जिलावासी दहशत के साए में जी रहे हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। समस्तीपुर बिहार से रमेश शंकर झा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। लदौरा के लोग रहने वाले हैं। क्या लगी हुई है? गोली लगी हुई है सर। कितने लोग जख्मी हैं? 2 आदमी जख्मी है सर। तो कितने लोगों का नाम आया? अभी तो फरदान लिख ही रहे सर, सुबह कुछ आया नहीं है। जैसे ही आपका तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, बाबा मंदिर में निकल चुके हैं सर, हमारी वहाँ चल रही है। तो जो जख्मी है उनका नाम क्या है? अभी लिख रहे हैं सर। तो मामला क्या छल के सामने आया है? अभी पता कर रहे हैं सर, उतना तो पहुँचे नहीं। तो पीड़ित व्यक्ति बताए होंगे ना कि घटना का कारण क्या है? घटना के कारण ही तो बता रहे हैं, अभी तो उसके जॉब पर लोग हैं, जॉब पर है, रंगदारी का मामला। इस तरह की कोई सूचना मतलब बताएंगे सर, पूछ रहे हैं, डिटेल नहीं आया। हम क्या तैयार कर रहे हैं डिटेल पूछ रहे हैं आपको। रमेश ठाकुर, क्या नाम है? आप तीन को नाम नहीं जानते? 4-5 आदमी था। किस लिए गोली चलाया? हमारे पापा को, हमारे लड़का को मार रहा था, वही बीच में पटाप करने गए थे। हमारे पत्नी को चला देता, वही बीच में हम चले गए, हमारे पत्नी को लग गई गोली। झगड़ा किस कारण से हो रहा था? झगड़ा हो रहा था कारण यही, रंगदारी मांगने का, पैसा दो हमको। रंगदारी का बात था। क्या नाम है? राजीव कुमार। मेरा नाम बिरबल शाह है, घर लदौरा चौक पर है। लदौरा चौक पर मंदिर है, दुर्गा जी का मेरा बनाया हुआ हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ पर ये 5 लड़का था, उसका क्या नाम है? रमेश ठाकुर और नगेंद्र है, भोला ठाकुर और 2-3 आदमी और नाम बताएंगे तब ना। उसके बाद हम पहुँचे तो दोनों को हटाने लगे, उस हमारे पोता को मार रहा था। अच्छा, किस लिए मार रहा था? पैसा के लिए। अच्छा, तो उसको दोनों को हम हटाए, हटाने के बाद फट पिस्तौल निकाला और हमसे आज 10 दिन पहले भी ब्रह्मदेव खाद दुकान के पास, ब्रह्मदेव खाद दुकान है वहाँ पर, ब्रह्मदेव कुमार के सामने हमसे बोला कि पैसा लाइए। कौन चीज का पैसा लगेगा? खर्चा पानी, हमारा कोई नौकरी है। हम बोला कि क्या नाम हुआ आपका? बिरबल शाह।